हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपेटेटिव और सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम इनका बेसिक परिभाषा जान लेते हैं, जिससे हम लोगों का पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सब चलते हैं हम लोग दोस्त वर्गमूल। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो। उसे वर्गमूल कहते हैं। यानी किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर जो मूल संख्या है वो प्राप्त हो जाए, उसे क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। अब वर्गमूल को हम किस प्रकार उसका चिन्ह लिखेंगे या किस प्रकार उसका चिन्ह है? तो वर्गमूल का चिन्ह रूट लिखा जाता है। फ्रेंड्स, इनको रूट या स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं, या रूट अंडर भी बोला जाता है। अब उनको सॉल्व करके देखेंगे। जैसे में चार, का सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल चार का वर्गमूल कितना प्राप्त होता है? दो। चार का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ? दो। परिभाषा में है किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर, यानी कि वर्गमूल कम प्राप्त वर्गमूल करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है उसका हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग। वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो। मूल संख्या क्या थी पहले? चार। उसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, नौ का वर्गमूल। नौ का वर्गमूल कितना हो गया? तीन। अब उनका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, क्योंकि जो संख्या होती है किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर, इसीलिए इसको क्या करेंगे? हम वर्ग करेंगे। तो वर्ग तो हम लोग जानते ही हैं, किसी संख्या को उसी संख्या के साथ दो बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो उसे वर्ग कहते हैं। इसको हम क्या करेंगे? दो बार गुना करेंगे। तो तीन से कितना प्राप्त हुआ? नौ। सोलह, का वर्गमूल चार। फिर उनका क्या करेंगे? हम चार का वर्ग करेंगे। चार गुने चार इक्वल टू सोलह, जो मूल संख्या के रूप में प्राप्त हो रही है। फिर चौथा है पच्चीस। का वर्गमूल पाँच। फिर पाँच का वर्ग निकालेंगे तो पाँच गुने पाँच इक्वल टू पच्चीस, मूल संख्या के रूप में प्राप्त हो रही है। फिर पाँचवा है छत्तीस। का वर्गमूल छ। फिर छ का क्या करेंगे हम लोग? वर्ग करेंगे। छ गुने छ इक्वल टू छत्तीस, जो कि मूल संख्या के रूप में प्राप्त हो रही है। अब एक और उदाहरण लेते हैं, उनचास। का वर्गमूल सात। फिर क्या करेंगे हम? सात का वर्ग लेंगे।
7 × 7 इक्वल टू 49। जो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो। यहाँ पर सब में वही नियम लागू हो रहा है, 49 का वर्गमूल 7, फिर 7 का हम लोग क्या किए, वर्ग किए, तो वर्ग करने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ, मूल संख्या प्राप्त हुआ। इनका हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे बनाएंगे, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे बनाएंगे। लेते 144 लेते उदाहरण के रूप में। 144 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है किसके द्वारा, तो गुणनखंड विधि के द्वारा हमको क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। एक सौ चौवालीस, 72 × 44, 36 × 72, 18 × 36, 2 × 18, अब तो 200 तो नहीं लगेगा, 3 × 9, 3 × 1 = 3। अब उसको हम गुना के रूप में यहाँ लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब हम उसको वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं, जुड़ा लगाकर 2² × 2² × 3² क्योंकि ये 2 बार है, यह 2 बार है, यह 2 बार है, और यह भी क्या है, 2 बार है। चूँकि हम लोगों को 144 से गुणनखंड निकालना है, तो 100 गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 144 का गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 144 का मान इतना प्राप्त हुआ है, तो लिखेंगे 2² × 2² × 3². अब क्या करेंगे, इन दोनों में से एक संख्या लेंगे हम लोग, तो हो गया 2, फिर इसको इनका हो गया 2, फिर इनका हो गया 3। अब जो प्राप्त हुआ है इन तीनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल हमको प्राप्त हुआ कितना, 12। यह हमारा 12 आंसर। दोस्तों एक और दूसरा उदाहरण लेकर समझते हैं हम लोग। ऐसे 81 का हम लोगों को क्या करना है, तो गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ले लिए 81, दो से तो पूरा बार नहीं कटेगा, 3 ले लेते हैं, 3 × 27 = 81, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कितने बार लिखा है, 1, 2, 3 और 4 बार आया है 3, उसको गुणा के रूप में लिख लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। फिर इसे हम जोड़ा लगाते हैं, जिसको इंग्लिश में पेयर कहते हैं, तो हो गया 3² × 3². चूँकि हम लोगों को वर्गमूल ज्ञात करना है, तो किसका, 81 का, तो 81 का रूट कर देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट। अब इसका मान कितना प्राप्त हुआ है, 3 कितने बार आया है, 1, 2, 3, 4 बार, जो यहाँ पर हम लोग तैयार कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3² × 3², क्योंकि हमको 81 का ज्ञात करना है वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा। फिर इसमें क्या करेंगे, 3 जो जोड़ा लगा हुआ है उसमें से हम एक संख्या निकाल लेंगे,
तीन गुने, फिर यहाँ पर थ्री स्क्वायर है तो एक संख्या ले लेंगे, तो तीन तिया नौ, हम लोग को प्राप्त हुआ है नौ। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।